रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि गेहूं से है। बता दें, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने गेहूं एक्सपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करना और सख्त कर दिया है। अब देश से बाहर गेहूं भेजने वाले को 13 मई या उससे पहले ही लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ विदेशी बैंक के साथ मैसेज के एक्सचेंज की डेट भी बतानी पड़ेगी, तभी उनके एप्लीकेशन पर विचार किया जाएगा। यदि एक्सपोर्टर के डॉक्यूमेंट में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो उसकी जांच CBI से कराई जाएगी। वही कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में आने वाले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि DGFT ने इस बारे में नोटिस जारी किया है। सरकार ने 13 मई को गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, लेकिन जिन एक्सपोर्टर ने 13 मई से पहले बता दें कि लेटर ऑफ क्रेडिट हासिल कर लिए थे, वह गेहूं का एक्सपोर्ट कर पाएंगे। वहीं नोटिस में कहा गया है कि DGFT ने 19 मई को अपने सभी रीजनल अथॉरिटीज को गाइडलाइंस भी जारी किए थे। इसमें एलिजिबल एक्सपोर्टर करने वालों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने से पहले सत्य बता दे कंप्लेंस के पालन की हिदायत भी दी गई थी, लेकिन कुछ एक्सपोर्टर की तरफ से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स जमा करने की जानकारी मिली। इसी को देखते हुए कंप्लेंस को और सख्त कर दिया गया। वहीं बता दें कि जारी नोटिस में कहा गया कि लूप होल खत्म करने के लिए ये फैसला किया गया है कि रीजनल अथॉरिटीज सभी LC को फीजनल वेरीफाई करेंगी। वहीं भले ही उन्हें मंजूरी मिल चुकी हो या मंजूरी प्रोसेस में हो, जरूरी हुआ तो इसके लिए किसी प्रोफेशनल एजेंसी को भी मदद इसकी ले जा सकती है। वहीं फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान रिसीवर बैंक की तरफ से दिए गए बता दे एंडोर्समेंट भी तय किए जाएंगे। वहीं अगर LC की तारीख 13 मई से पहले की है, लेकिन भारतीय और विदेशी बैंकों के बीच शिपमेंट मैसेज का एक्सचेंज 13 मई के बाद हुआ है, तो ऐसे मामलों में रीजनल अथॉरिटीज पूरी तरह से छानबीन करेगी। वहीं जरूरी हुआ तो इसके लिए एक्सटर्नल एनालिस्ट भी इसकी मदद भी लिए जाएगी। वहीं सूचना गलत पाए जाने पर एक्सपोर्ट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं मामलों की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और CBI से भी जांच कराने की बात की गई है। अगर कोई बैंकर गलत काम में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नोटिस के मुताबिक रीजनल अथॉरिटीज में LC के फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद जिस एप्लीकेशन को वैलिड पाया जाएगा, उन्हें आगे जांच और मंजूरी के लिए DGFT हेडक्वार्टर्स में 2 एडिशनल DGFT की समिति के पास भेजा जाएगा। इस दौर में मेंबर की मंजूरी के बाद ही रीजनल अथॉरिटीज एक्सपोर्ट करने वालों को RC जारी करेगी।